हेलो व्यूअर्स, फ्रेंड्स, कॉफ़ी विद मुनव्वर चैनल में आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो इस फैरो कैक्टस के बारे में है। ये व्यूअर्स देखें, मेरा फैरो कैक्टस, इसको मैंने कितना खूबसूरत है। व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल इसमें परलाइट लगा हुआ है, इसमें परलाइट और गार्डन सॉइल और सैंड मैंने इसमें मिलाया हुआ है। देखें, ये ड्राई हुआ है। जब तक ये प्रॉपर ड्राई ना हो जाए, इसको वाटिंग ना करें। और दूसरी बात, इसको मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है। देखें व्यूअर्स, हैंगिंग पॉट में इसलिए लगाया हुआ था कि इसको इसके प्लांट को फंगस ना लगे, पानी ना खड़ा हो। दूसरी बात ये है कि वाइट चींटी जो है ना, चींटी आंट्स इसके ऊपर अटैक करती हैं, इसको इसके इसके जो इसके खाती हैं, इसको इसके नीचे से रूट्स खा लेती हैं। ये प्लांट डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमलावर से बचाने के लिए मैंने इसे हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है। और ये बेस्ट है, हैंगिंग पोस्ट बेस्ट है। आप भी इसको हैंगिंग पोर्ट में लगाएं, लटकाने वाले गमले में लगाएं। लेकिन व्यूअर्स, मैंने इसको लगाया हुआ है। और दूसरा, वाटरिंग की बात करते हैं व्यूअर्स। इसको 3 दिन के बाद आप वाटरिंग करें, जब आप देखें कि इसकी सॉइल जो है बिल्कुल ही ड्राई होगी। जैसे ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगा, इसको मैं कल पानी दूंगा ताकि ये अपना सेट रहे और फिट रहे और बीमारी इस पर अटैक ना करे। जब तक व्यूअर्स सॉइल ड्राई ना हो जाए, आप इसको कभी भी वाटरिंग ना करें। उसके बाद इसकी प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं व्यूअर्स। ये प्लांट जो है, ये फैरो कैक्टस, ये सीड से ग्रो होता है। ये कभी भी बच्चे नहीं देता। इसके साइडों से जो बच्चे निकल आते हैं वो कभी भी नहीं निकलते। ये सीड से ग्रो होता है। सीड इसके मार्केट में मिलते हैं। और व्यूअर्स, फरवरी से लेकर सितंबर तक इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में इसके सीड ग्रो नहीं होते। हीट के दिनों में ही ये होते हैं। लिहाजा फरवरी से लेकर आप मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इसको जो है आप इसमें इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।